मिर्जा अजीज कोका बादशाह अकबर की दाई जिली अंगा और अतागा खान के बेटे थे। अतागा खान जहां अकबर के प्रधानमंत्री थे, वहीं मिर्जा अजीज कोका जहांगीर के शासनकाल में गुजरात के गवर्नर थे और वह अपने लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे। जहांगीर ने आगे चलकर अपने बेटे खुसरो के साथ कोका की बेटी की शादी कर दी। खुसरो के मन में बादशाह बनने की लालसा पैदा हुई तो अपने मामा मान सिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की शह पर अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया। जहांगीर इस विद्रोह को दबाने में सफल रहा और मिर्जा अजीज कोका को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जहांगीर ने जब कोका को इस विद्रोह को लेकर सवालात पूछे तो कोका ने भरे दरबार में बादशाह को उनका अतीत याद दिलाते हुए कहा कि मुगलिया खानदान का यही रिवाज है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कोका की इस खुली चुनौती के बावजूद जहांगीर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आइए जानते हैं क्यों। दरबार में अजीज कोका के रसूख से कई सारे दरबारी चिढ़े हुए थे, इसलिए खुसरो के बहाने उन्होंने कोका को निपटाने को सोचा और जहांगीर को सलाह दे दी कि इस विद्रोह के लिए कोका को मृत्यु दंड दिया जाए। इससे पहले कि जहांगीर इस बारे में कोई निर्णय ले पाता, उसके जनान खाने में ही कोका को लेकर विद्रोह हो गया। जहांगीर जब दरबार में इस बारे में मंत्रणा कर रहा था तो सलीमा बेगम दरबार में घुस आई और कोका को मृत्यु दंड दिए जाने के खिलाफ चेतावनी दे डाली। सलीमा बेगम को शांत करने के मकसद से जहांगीर उसके साथ जब जनान खाने में पहुंचा तो वहां पर सारी स्त्रियों ने जहांगीर को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो कोका को इस विद्रोह के लिए माफ कर दे और मजबूरन जहांगीर को ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा।